आज का टॉपिक है SSH। SSH स्टैंड्स फॉर सिक्योर कनेक्टिविटी ऑन रिमोट लोकेशन लाइक टेलनेट। टेलनेट भी आपको रिमोट कनेक्टिविटी देता है कमांड लाइन के थ्रू, ठीक वैसे ही SSH भी आपको रिमोट कनेक्टिविटी देता है सिक्योर कनेक्टिविटी। SSH की रिक्वायरमेंट क्या है? SSH की रिक्वायरमेंट है आपके होस्ट नेम आपके राउटर पे सेट होना चाहिए, इनेबल पासवर्ड सेट होना चाहिए, एक यूज़र नेम पासवर्ड हम बनाएंगे और उसके बाद इंटरफेस पर IP देंगे, डोमेन नेम आपका सेट होना चाहिए, लाइन VTY पासवर्ड चाहिए, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH देते हैं जिससे कि वो SSH के इनपुट को एक्सेप्ट कर सके, उसके बाद हम एक की जनरेट करते हैं क्रिप्टो की इनक्रिप्शन की। इतनी रिक्वायरमेंट आपकी SSH की है, ये सब सेट करने के बाद SSH कनेक्टिविटी मिलती है यानी इनके सिक्योर कनेक्शन मिलता है आपके रिमोट होस्ट को। होस्ट पर कैसे करेंगे? SSH-L से हम कनेक्टिविटी लेंगे, ठीक है। आपने जो यूज़र नेम बनाया वो नाम रखिए, फास्ट इथरनेट की IP डाल के एंटर करिए। सबसे पहले वो आपसे लाइन VTY पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद इनेबल पासवर्ड पूछेगा और कनेक्टिविटी देगा। प्रैक्टिकल दिखाती हूँ इसका आपको। एक राउटर लिया हमने, ये स्विच, कनेक्ट कर लीजिए इन्हें। एक राउटर सेट कर रहे हैं, उस राउटर के ऊपर ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद हम सिस्टम से उसे एक्सेस करके देखेंगे कि वो कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सेटअप मोड नो गया, ये यूज़र एग्जीक्यूशन मोड आ गया। यूज़र एग्जीक्यूशन मोड पे इनेबल, सबसे पहले कॉन्फ्टी किया, होस्ट नेम राउटर का हम एक होस्ट नेम सेट करते हैं, मान लीजिए इसका नाम R1 रख दिया मैंने। होस्ट नेम के बाद एक इनेबल पासवर्ड हमें चाहिए, इनेबल पासवर्ड ये हमने रख दिया 123। अब हम फास्ट ईथरनेट पर IP एड्रेस डालते हैं, कोई भी IP ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 100.0.0.1 की, तो IP एड्रेस 100.0.0.1 इसका सबनेट मास्क, नो शट। इंटरफेस मोड से वापस आए एग्जिट मोड पर, यहाँ पर हमने दिया एक डोमेन नेम सेट करेंगे हम अपने कोई भी डोमेन नेम ले लिया, मान लीजिए k.com लिया। अब एक यूज़र नेम बनाते हैं, यूज़र नेम s1, पासवर्ड मान लीजिए 456 रखा। अब हम लाइन VTY इनेबल करते हैं। लाइन VTY के फीचर्स मैंने टेलनेट में डिस्क्राइब कर दिए थे। लाइन VTY 024 इसका एक पासवर्ड होगा, मान लीजिए मैंने 789 दिया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ये SSH के लिए ले, इसके लिए हम सेट करते हैं ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। अब यहाँ से एग्जिट करिए, कॉन्फ़िगर मोड पर आके हम एक क्रिप्टो जनरेट करते हैं, क्रिप्टो की हमें जनरेट करनी होती है, दैट इज क्रिप्टो की जेनरेट RSA। 360 से लेकर के 2048 तक की रेंज हम दे सकते हैं अपने की साइज़ की, कितने साइज़ की जनरेट करे ये आपको डिफाइन करना होता है। मान लीजिए मैंने एक मिडिल वन रेंज ले ली 1024। इस सिस्टम पे IP उसी रेंज की हम डालेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया 100.0.0.2।
जिसका डिफॉल्ट गेटवे है 100.0.0.1। एक बार पिंग करा के देख लेते हैं कि हम राउटर से कनेक्ट हैं कि नहीं। कनेक्टिविटी आ रही है। अब यहाँ से कनेक्ट करने के लिए SSH-L, यूज़र का नेम हमारा S1 है, फास्ट ईथरनेट का एड्रेस 100.0.0.1। एंटर किया, ये पहला पासवर्ड जो मांग रहा है, ये लाइन BTY पासवर्ड मांग रहा है, 789 हमने दिया था। अब इनेबल करिए, इनेबल पासवर्ड मांग रहा है, दैट इज 456123 है, ठीक है। ये आपका इनेबल राउटर आ गया। अब यहाँ पर आप जो चीज़ भी सेट करेंगे, आप पूरा यहाँ से राउटर उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप SSH कनेक्टिविटी राउटर पे बनाते हैं।